वेलकम बैक टू मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आशु मेहता। दोस्तों आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 4 है एसएससी टीजीटी मैथ का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आज हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन निकालना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल पर बात करेंगे। पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही अलग अलग जो टॉपिक थे उन पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंटीग्रेशन करना है टेन एक्स डी एक्स का, आपका 83 नंबर ये क्वेश्चन है। अगर आपको अभी तक पेपर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे तो इसका डायरेक्ट आपको याद ही होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना इसका डायरेक्ट आपको याद ही होना चाहिए, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप टेन एक्स को लिख सकते हो, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जो कोस एक्स है उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ ऊपर। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो बाहर मैंने माइनस लगा दिया और अंदर भी माइनस लगा दिया, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया माइनस साइन एक्स अपोन में हमारे पास क्या आ गया कोस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। तो नीचे का डेरिवेटिव, नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग एक्स मतलब उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है वन बाय में एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन बाय में एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर वन पड़ा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास लॉग एक्स, ठीक है। इसी टाइप से इसका हम डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर माइनस एक्स साइन एक्स पड़ा हुआ है तो बार तो माइनस पड़ा ही हुआ है, ठीक है। बार माइनस पड़ा हुआ और इस सारे का इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी लॉग कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, लॉग कोस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट ही है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स देन एफ इनवर्स ई इज इक्वल टू क्या आएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप अपनी तरफ से भी करके देखिए। तो हम इसे करके देखते हैं। तो देखिए मैं मान लेता हूँ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मैं मान लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स, लॉग से ई कैंसिल हो जाता है आपको पता है, तो हमारे इधर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स आ गई, ठीक है। तो हमने इन्वर्स निकालना है तो हम एक्स को चेंज कर देते हैं वाई को, वाई में वाई को चेंज कर सकते हैं एक्स में, ठीक है, हम चेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो निकल कर आई यहाँ से वाई को चेंज किया एक्स में तो यहाँ से आ गया हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये लॉग एक्स आ गया। मतलब अब वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माना था हमें, मतलब कि हमने चेंज करने पर क्यों किया हमने, क्योंकि इन्वर्स में निकालना था, एफ इन्वर्स एक्स हमारे पास क्या आ गया लॉग एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है एफ इनवर्स ई, तो एफ इनवर्स हम ई पुट कर देंगे एक्स की जगह तो हमारे पास लॉग ई आंसर आ जाएगा, लॉग ई, ठीक है, लॉग ई, लॉग से ई कट जाता है तो क्या आता है वन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू टू कोस थीटा, आर इज इक्वल टू टू कोस थीटा, पैरामीटर निकालना है, लेंथ निकालनी है, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए आपकी ई इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो देखिए हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया उसमें यही हमने सीखा कि अगर नीचे वाली जो टर्म पड़ी होती है, जैसे मान लीजिए वन बाई एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर वन पड़ा हुआ है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है हमारे पास, लॉग एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से हम आगे वाला ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऊपर जो टर्म है हमारी, नीचे वाला का डेरिवेटिव अगर ऊपर करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। ऊपर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ऊपर डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया, लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाता है लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इस टाइप से एक प्रॉपर्टी होती है कि ई की पावर एक सेकेंड, ई की पावर एक्स इंटू में दिया होता है एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स, एफ का डेरिवेटिव दिया होता है, मतलब एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव दिया होता है डी एक्स दिया होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी को जब हम खोलते हैं तो सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। यहाँ देखिए आप, ई की पावर एक्स दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ आप देखिए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है कोस एक्स साथ में, तो इसका आंसर डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है उसी को लेते हैं प्लस सी। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ई की पावर ऑप्शन नंबर थर्ड, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि मैं स्टार्टिंग में क्या लेता हूँ उस टाइप से हम करेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर एक्स प्लस वन है बट नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो टू एक्स प्लस वन बनता है। तो मैंने क्या किया, वन अपॉन में टू इंटीग्रेशन, ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया टू एक्स प्लस टू। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने अलग कर दिया कैसे, वन बाय टू जो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा था उसको अलग कर दिया टू एक्स प्लस वन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को। ठीक है, और साथ में हमारा क्या आ गया वन बाय में टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है जी, मैं आप ऊपर वाले ये वाला तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा ये तो आपका आ जाएगा, जैसे वन बाय में एक्स डी एक्स होता तो लॉग एक्स आ जाता है उसका आंसर। तो हमने मेन सोल्व इसको करना है अभी। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम सोल्व करते हैं सिर्फ इसको, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना नीचे, मैंने क्या किया वन बाय टू का स्क्वायर ऐड कर दिया और वन बाय में टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर, ये कहाँ से आया, एक्स का जो कोफिशियंट होता है ना यहाँ पे वन है तो उसका हाफ लेते हैं, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और हाफ का स्क्वायर माइनस करते हैं जब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आया एक्स प्लस वन बाय टू सारे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस रूट थ्री बाय टू सारे का स्क्वायर, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करते हैं जब थ्री बाय फोर निकल कर आ जाता इस सारे को सोल्व करने के बाद, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है डी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं वन बाय में ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है। ठीक है,
प्लस सी। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो हमारे पास 1 बाई ए में ए क्या है, हमारे पास रूट 3 बाई टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की फॉर्म में ही है ये वाला आपके पास, तो 1 बाई में ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाई में रूट 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब एक्स प्लस 1 बाय में 2, एक्स बाय में ए क्या है हमारे पास रूट 3 बाय में 2 प्लस सी। इसे जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2 बाय रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस सी। अब ये तो हमारा सिर्फ क्या किसका सोल्यूशन हुआ, सिर्फ इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है, और ये वाला सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ था, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 बाय में 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये वाला तो फर्स्ट टर्म का ही आ गया, सेकंड टर्म का जो हमारे पास निकल कर आया 1 बाय 2 पड़ा हुआ था बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, प्लस 1 बाय में रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बाय में 3, ठीक है, 2x प्लस 1 बाय में रूट 3 प्लस सी। ये हमारा हो जाता है आंसर्स इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।